तो हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत करता हूँ एक नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका अगर कोई चैट डिलीट हो गया है इंस्टाग्राम पर, अगर कोई चैट डिलीट हो गया है तो उसे किस तरह से वापस ला के हम पढ़ सकते हैं, इसके बारे में आज इस वीडियो में बात कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या तो पहले से हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और पहली बार आए हैं तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए देरी न करते हुए हम अपना वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, और मैं यहाँ पे अपना मोबाइल स्क्रीन को ऑन कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ अपना स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू कर लिया हूँ। तो चलिए जानते हैं कि किस तरह से डिलीट हुआ चैट को किस तरह से हम रिकवरी कर सकते हैं, इसके बारे में चलिए बात कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ अपना इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को ऑन कर लिया हूँ, और यहाँ पर जो अपना लोगो दिख रहा है, अपना प्रोफाइल पिक्चर, उस पर आपको एक बार क्लिक कर लेना है। फिर आपके सामने थ्री लाइन का एक ऑप्शन आएगा, ऊपर में कॉर्नर में देखिएगा थ्री लाइन, उस पर क्लिक कर लेना है। फिर से यहाँ पर सेटिंग वाला जो योर एक्टिविटी है उस पर आपको क्लिक करना है, यहाँ पे योर एक्टिविटी पर क्लिक कर देना है। इसको करके सबसे लास्ट में आ जाना है, यहाँ पे डाउनलोड योर इन्फॉर्मेशन का जो आपको ऑप्शन दिख रहा है उस पर आपको क्लिक कर लेना है, और यहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस, मतलब कि जो ईमेल अभी आपका लॉगिन है उसको यहाँ पे दे लेना है, और पासवर्ड वासवर्ड वगैरह वगैरह जो मांग रहा है आपको दे देना है, जो एक्टिव है आपका उसको यहाँ पे लगा लेना है। फिर आपको यहाँ पे ओके कर लेना है, डन कर देना है। फिर आपको यहाँ से करना कुछ नहीं है, यहाँ से आपको अब यहाँ से बैक आ जाना है। यहाँ पे हमारा जो काम है वो पूरा हो चुका है, अब यहाँ से मोबाइल से, मतलब इंस्टाग्राम से हम पूरा बिल्कुल वापस आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ से आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे अपना ईमेल आपको एक बार ओपन कर लेना है, क्योंकि आपका ईमेल में एक ईमेल आएगा, इंस्टाग्राम वालों ने वहाँ पे आपको ईमेल किया है। तो यहाँ पे देख लेते हैं ईमेल हमारा आया है कि नहीं, इस बैक करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं योर इंस्टाग्राम इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे आपको एक ईमेल आ गया है, तो इस ईमेल पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे नीचे देख सकते हैं डाउनलोड इन्फॉर्मेशन का ये एक ऑप्शन आपको देखने को मिला, उस पर आपको क्लिक कर लेना है और इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। तो चलिए इस पर एक बार हम क्लिक कर लेते हैं डाउनलोड इन्फॉर्मेशन में। फिर यहाँ पे आपका सामने इस तरह आएगा, तो यहाँ पे आपको क्रोम को सिलेक्ट कर लेना है, तो यहाँ पे क्रोम को कर लेना है और एनएस कर लेना है यहाँ से। फिर यहाँ पे आपका सामने इस तरह से ओपन हो जाएगा इंस्टाग्राम, यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आपको यूजर नेम डाल लेना है, जो यूजर नेम आप, मतलब कि अपना यूजर नेम डाल लेना है, पासपोर्ट डाल लेना है, और यहाँ पे ओके कर देना है। और यहाँ पे एक वेरीफाई कोड आएगा, अगर आपने टू स्टेप वेरीफाई करके रखा है अपना अकाउंट को, तो यहाँ पे वेरीफाई कोड आएगा, कोड आपको यहाँ पे डाल लेना है, और यहाँ पे सेव नहीं करने से भी चलेगा। और यहाँ पे सेव इन्फॉर्मेशन का जो ऑप्शन देख पा रहे हैं, सेव इन्फॉर्मेशन, उस पर अगर क्लिक कर लेना है, इसको यहाँ पे सेव कर लेना है। इसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं आपका सामने डाउनलोड इन्फॉर्मेशन का और एक बार ऑप्शन आ गया, उस पर आपको क्लिक कर लेना है, और यहाँ पे देख सकते हैं हमारा डाउनलोड हो रहा है। तो फ्रेंड्स, ये जब तक डाउनलोड हो रहा है तब तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। इससे क्या होगा फ्रेंड्स, मैं हमेशा इस तरह का सोशल मीडिया से रिलेटेड वीडियो लाते रहता हूँ, तो सबसे पहले आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी और इसको आप सबसे जल्द से जल्द देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा डाउनलोड कंप्लीट हो चुका है, अब यहाँ से हम बैक आ जाएंगे, यहाँ से हम इस एप्लीकेशन से बाहर आ जाएंगे, और यहाँ पे अपना जो फ़ोन का मेमोरी है, स्टोरेज है, वहाँ पे हम आ जाएंगे। तो चलिए हम अपना फ़ोन मेमोरी में आ जाते हैं, और यहाँ पे हमने अपना फाइल को ओपन कर लिया। इसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे डाउनलोड वाला जो ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है उस पर आपको क्लिक कर लेना है, और यहाँ पे आपका यूजर नेम पे फाइल आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं अपना जो इंस्टाग्राम पे यूजर नेम है उस पर एक फाइल आ जाएगा, उस पर आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको बहुत सारा यहाँ पे फाइल देखने को मिल जाएगा, आप क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहते हैं सब कुछ यहाँ पे है, ये है। तो सब यहाँ पे लाइक, यहाँ पे लाइक हम देख लेते हैं कि कितने जन को हमने लाइक किया है और हमें कितने जन ने लाइक किया है, इसको देखने के लिए हम यहाँ पर क्लिक किए। फिर इस पर एक बार क्लिक कर लेना है, और यहाँ पे ऊपर में एक बार क्लिक, ऊपर वाला देखना है क्या नीचे वाला देखना है, कोई भी देखना है उसे आप क्लिक कर लेना है। चलिए हम ऊपर वाला ही देख लेते हैं, यहाँ पे हम फॉर्म में फिर से जाते हैं, एनिमेशन करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने इतना जन को ही लाइक किया है, मतलब इतने जन को हम लाइक करते हैं, उनका ही वीडियो हम देखते हैं, पोस्ट देखते हैं। और यहाँ पे मैसेज के लिए हम मैसेज, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैसेज का एक ऑप्शन है, उस पर हम क्लिक करेंगे, और यहाँ पे रिज्यूम में क्लिक कर लेंगे, यानी कि बार बार हमें क्रोम वोम सेलेक्ट करना नहीं पड़ेगा। फिर से हम यहाँ पे इस पर क्लिक कर लेंगे, और यहाँ पे मैसेज इनबॉक्स है, मैसेज रिक्वेस्ट है, कुछ भी आप पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे मैसेज में ही जाते हैं, इनबॉक्स में जाते हैं, और यहाँ पे कोई भी एक फाइल ले लेते हैं। तो
फ्रेंड्स, इस तरह करके आपका अगर कोई भी चैट अगर डिलीट हो गया है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इस तरह करके डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।